हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्रीडम वीडियोस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रॉपर फिश के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मछली है और हार्ड फिशेस में भी आती है और बहुत खूबसूरत होती है। आप तो देखिएगा मेरा पूरा वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ मैं आपको कौन सी फिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपके पास जिस मछली के बारे में बताने के लिए आया हूँ और आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, उस मछली का नाम है पैरेट। पैरेट फिश ये चिकलेट फिश का ग्रुप होता है, जो कि नॉर्मल फिशेस से फ्रेश वाटर फिशेस की थोड़ा सा अच्छी मछलियों में इसकी गिनती होती है, अच्छी फिशेस में माना जाता है। ये फिश सेंसिटिव बहुत होती है और ये एक्वेरियम में जब रहती है तो ये एक्वेरियम में ही अपना घर बना लेती है और एक घर बना के रहती है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको पैरेट फिश के पास और आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए दिखाता हूँ उस फिश को कि कैसे छुप के रह रही हैं और कैसे रहती हैं और इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कैसे पानी में किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, कैसे बीमार होती हैं और इनको ठंड में हीटर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो और इनको किस चीज़ के साथ आप रख सकते हैं। देख रहे हैं ये जो टैंक देख रहे हैं आप, इस टैंक में मैंने पैरेट फिशेस रखी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको फिश अभी नहीं दिख रही होंगी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको फिशेस दिखेंगी। ये देखिए एक फिश बोट के अंदर घर बनाई हुई है और देख रही है बाहर की तरफ और उसके साथ में एक नहीं दो फिशें हुई, एक उसके पीछे भी है। ये इधर से उसका मुंह दिख रहा है। फिर मैं लेके चलता हूँ, इसके पीछे भी कई सारी फिशेस हैं। एक वो देखिए, उसकी आँख दिख रही है। चलिए मैं खाने से शुरुआत करता हूँ। तो आप इनको खाने में ब्लड वॉर्म और जो दाने आते हैं, चिकलेट फूड आता है, झींगे आते हैं और ओपियम 3-in-1 टोक्यो का जो मिक्स कलर वाला फूड आता है वो भी दे सकते हैं। आप इन्हें जो मार्केट में केचुए मिलते हैं वो भी ये खाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से खाती हैं। अभी देखिए इतनी सेंसिटिव है कि मैं उसे खाना डालूँ फिर भी वो आके खा नहीं रही हैं, जबकि ये मछली बहुत तेज़ी के साथ आके खाना खाती हैं। लेकिन मैं बहुत देर से बैठ के बातें कर रहा हूँ आप लोगों से और लाइट भी लगा दिया हूँ इसमें, तो अभी वो आ नहीं रही है। देखिएगा निकलेगी नहीं निकलेगी तो फिर निकालूंगा ही मैं। और इसके बारे में बता देता हूँ कि इसको ज़रूरत पड़ती है ठंड में हीटर की, हीटर आप लगाएं तो हीटर का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 30 पे आप उसको रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें फंगस वगैरह ना लगें। और जैसे कि बरसात का टाइम चल रहा है और हल्का जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब इस फिश में क्या होता है कि हल्के ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ने लगते हैं, ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं, जो कि आप हीटर लगाएंगे और हल्का सा करीब 10-5 मिनट जनरल लाइट की डाल देंगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली सभी फिशेस का कलर चेंज होना आम बात है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको ध्यान देना है कि इसमें कलर चेंज होने में प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें वाइट कलर की स्पॉट ना पड़े, वो स्पॉट अलग दिखेंगे, फंगस टाइप की इसमें पूंछ का कलर झड़ता जाएगा और हल्के हल्के ध्यान से देखेंगे तो फिन का रंग उड़ता जाएगा। तो वो देखिए एक पैरेट इसके अंदर घर बनाई हुई है और आपको इसको रखने के लिए, अगर आप इसे अपने एक्वेरियम में रखे हुए हैं तो आपको उसमें कई सारे ऐसे सो पीस या आप हाथ से बने हुए सो पीस या मटके का टुकड़ा, मिट्टी का जो आता है उसका पीछे वाला मोड़ा हटा दें, फिर भी आप उसे एक्वेरियम में डाल सकते हैं। वो इसमें बहुत अच्छे से खेलेगी और रहेंगे और अपना घर बना लेंगी। इनको घर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर अपना घर नहीं बना पाती हैं तो एक दूसरे से लड़ने लगती हैं और एक दूसरे की पूंछ काटने लगती हैं, जिससे उनमें फंगस लग जाते हैं और फिर धीरे से बीमार होकर मरने लगती हैं। आप पैरेट फिश के साथ गोल्ड फिश नहीं रख सकते हैं और नॉर्मल छोटी फिशेज जैसे गप्पी हैं, मौली, ये भी नहीं रहेंगी, उनको ये काट लेंगी, ये खा जाती हैं। इनके साथ में रहने वाली फिशेज मैं बता देता हूँ आप और कौन कौन सी रख सकते हैं। इनके साथ में आप ये एल्विनो टिम्पल डाल सकते हैं और ये बड़ी साइज़ की गुरामी भी रख सकते हैं।
लेकिन हाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, टैंक की साइज बड़ी होनी चाहिए और उसमें काफ़ी सारे सो पीस भी आप ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर ऐसा होता है कि आप लोग सो पीस नहीं डालते हैं ना, तो फिर सारी मछलियों चिकलेट ग्रुप की या तेज पीसेस होती हैं जो वो आपस में ही लड़ने लग जाती हैं। आप इनके साथ में सेवरम भी रख सकते हैं और ये रेड टेल शार्क भी रहेगी, बड़ी साइज़ की लेकिन होनी चाहिए। अगर आपको इसके अंदर छोटी फिश डालनी है तो इसके लिए एक उपाय बता देता हूँ आपको। आप इसमें कई सारे सो पीस डाल दिए और टैंक की साइज़ बढ़ा दिए तो फिर इसके साथ में छोटी मछलियाँ भी रहने लगेंगी और वो इनको नुकसान नहीं करेंगी और ना ही ये उनको करेंगी। और इनको जो खाना देना पड़ेगा आपको, वो कम से कम दिन में आपको 2 से 3 बार आप डालें, थोड़ा थोड़ा सा ही खाना आप इनको बीच में डालते रहें। अगर ये खाना पाती रहती हैं तो फिर ये लड़ाई नहीं करती हैं। इसके पानी की क्वालिटी पे बात करते हैं कि आपको कैसा पानी रखना पड़ेगा और कैसे पानी में रहती है। तो आप जो इसका पानी यूज़ किए देख रहे हैं कि इस एक्वेरियम का पानी एकदम से साफ है और ये एकदम साफ पानी में ही रहती है, ये गंदे पानी में मछली नहीं रहती। ज़रा सा भी अगर पानी गंदा होगा तो ये मछली को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए आप एकदम साफ़ पानी यूज़ करें। इसमें फ़िल्टर आपको अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ेगा, इसमें स्पंज फ़िल्टर काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको पावर फ़िल्टर का ही यूज़ करना पड़ेगा। और इस फ़िल्टर को भी आप टाइम टाइम पे साफ़ कर दें क्योंकि ये फिश थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा होती है, तो अमोनिया वगैरह जिसमें ज़्यादा ना रहे ऐसा पानी आप डालिए। ये देखिए इसमें हर जगह में एकदम से सब की सब छुपी हुई है, जो जहाँ पाई हैं छुपने के लिए। अगर आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी इनको पकड़ने में, बहुत जल्दी जल्दी छुप जाती हैं। और इनमें बाकी जैसे कि जो एंटी क्लोरीन होता है, एंटी ईच होता है, जनरल एड होता है, एंटी फंगस होता है, वो नॉर्मल दवाइयाँ फ्रेश वाटर में यूज़ की जाती हैं, वही दवाइयाँ इनमें भी यूज़ होंगी और वो इनके लिए सही रहेंगी। इनका पानी का टेम्परेचर वगैरह भी आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो आपको इसमें एक थर्मामीटर लगा के रखें और हीटर की व्यवस्था धीरे से बना लें क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मौसम जैसे अचानक चेंज होता है तो फिर इसमें फंगस भी लगने का ख़तरा मछलियों में बढ़ जाता है। और रही बात फ़िल्टर की, तो आप फ़िल्टर इसमें आपको कंटिन्यू चला के रखना पड़ेगा। फ़िल्टर चलाने से इस फिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और फ़िल्टर चलाने से पानी थोड़ा फ्रेशनेस बनी रहती है, ऐसा लगता है पानी एकदम हिल रहा है, मछलियों को लगता है जैसे किसी नदी वगैरह में है। पैरट फिश भी कई प्रकार की आती है जैसे बाकी फिशेस आती हैं, इनमें कई सारे कलर होते हैं जो कि जैसे कि येलो होता है, रेड होता है, पिंक होता है। तो इसमें जो सबसे सस्ती पैरट होती है वो नॉर्मल होती हैं, रेड पैरट होती है, उनका रेट कम होता है, सस्ती होती हैं। और जो येलो पैरेट्स वगैरह होती हैं, ग्रीन पैरेट होती हैं, ये थोड़ा सा महंगी आती हैं। एक पैरेट और आती है वो हार्ड शेप पैरेट होती है, इसका जो पूंछ का शेप होता है वो हार्ड टाइप से पीछे तरफ बना रहता है, करीब ये ऐसे और ऐसे, और उसकी पीछे वाली पूंछ बहुत छोटी सी होती है। ये आप देखिएगा, मैं फ़ोटो उसकी डाला हुआ हूँ, आपको दिख रही होगी ऊपर तरफ। और पैरेट फिश में कई सारी प्रैक्टिकल्स भी किए जाते हैं, जैसे पैरेट फिश में टैटू बनाया जाता है, टैटू पैरेट आती है मार्केट में, उसे अपने हाथ से लोग बनाते हैं और उसमें कुछ लिख देते हैं जैसे कि आई लव यू, दिल का फ़ोटो। फिर इसे आजकल के बंदे लोग गिफ्ट भी करने के लिए अच्छा होता है, उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। तो लेकिन टैटू पैरेट में थोड़ा फंगस लगने का खतरा होता है जिससे कि वो जल्दी मर जाती हैं, इसके लिए आजकल बहुत कम लोग ही टैटू पैरेट पालते हैं। शुरू में जब इसका चलन हुआ था तब बहुत ज़्यादा लोग टैटू पैरेट पाला करते थे, उसमें टैटू बनवा लिया करते थे, अपने मनपसंद नाम भी लिखवा सकते थे लोग, लेकिन उसमें ये मर जल्दी जाती थी, इसकी वजह से लोग कम कर दिए काम। और दूसरी चीज़ ये है कि वो फिश महंगी भी थोड़ा सा ज़्यादा आती है जिनमें टैटू वगैरह बना रहता है। तो देखिए एक ही घर के अंदर कितनी सारी मछलियाँ घुस गई हैं, देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा। तो सबसे मेन चीज़ आपको चिकलेट फीस रखनी है या पैरेट फीस रखनी है तो आपको इसके अंदर 100 पीस कई सारे डालने होंगे जिससे आसानी के साथ रह सकें और अपना घर बना सकें और ये रहें। ये एक तरीके से अपना घोंसला बना लेते हैं, जैसे कि पैरेट रहते हैं और तोते रहते हैं, इनका जो मुंह होता है आगे वाला वो तोते के टाइप से होता है, इसके लिए इसे पैरेट फीस बोलते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम पैरेट के जैसे इसका मुँह दिख रहा है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और वीडियो को तो आप लाइक कर ही दिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।